मंगलवार की सुबह मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के दूधानाथ चुंगी रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन से कटकर एक युवक ने जान दे दी। सुबह रेलवे ट्रैक पर शव मिलने के बाद पुलिस ने उसके पास मिले मोबाइल से शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र के पास करतन गांव निवासी दिनेश चंद्र मालवीय का 21 वर्षीय पुत्र शुभम मालवीय घर से किसी विवाद के चलते सोमवार को 10 बजे घर से निकल गया था। दोपहर तक उसके घर पर न लौटने पर परिजनों ने फोन पर जानकारी दी। शाम को वापस न आने पर फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाना बंद कर दिया। परेशान परिजनों ने फोन कर उसका पता लगाने के साथ उसकी रात भर खोजबीन करते रहे पर उसने फोन से संपर्क नहीं किया। मंगलवार की सुबह दूधानाथ चुंगी रेलवे ट्रैक के पास सुबह 7 बजे लोगों ने शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने तहरीर दी कि आईपीएल को लेकर शुभम तनाव में था, इससे आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है आईपीएल में सट्टा लगाने के बाद वह हार गया हो, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। एसएसआई केदारनाथ मौर्य ने बताया कि परिजनों ने आईपीएल के चलते तनाव में होने की बात बताई। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच जारी है।